सॉरी स्थानीय मान नहीं था क्या था पहला था जोड़ ठीक है दूसरा था घटाओ और तीसरा क्या था समझ ठीक है तो इन तीनों के लिए मतलब जोड़ घटाओ और समझ के लिए डांस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और पूछा क्या था कि नहीं होता तो प्रायक्ता एक ऑप्शन में दिया गया था तो इसका सही आंसर था प्रायक्ता के लिए डांस ब्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो आया था पेपर में कि घड़ी की जो सुई है छः बजे से दो बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी मतलब छः यहाँ एक घड़ी बनाए हम और यहाँ डालें बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह तो हमें पता है कि जब एक घंटे में मतलब एक घंटे में घड़ी कितना कोण बनाती है तो तीस का ठीक है तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है छः से तो छः से सात तक कितना बनाएगी तीस फिर तीस ठीक है तो इस तरह कहां तक है दो तक तो यहाँ टोटल मिला के जो कोण होगा वो होगा दो सौ सत्तर डिग्री तो इसका सही आंसर क्या था हमारा? दो सौ सत्तर डिग्री का ठीक है पैटर्न से सवाल आया था क्या गया था क्या पूछा गया ऐसा इस तरह से पैटर्न दिया था और नेक्स्ट मतलब यहाँ पर क्या आएगा तो ये तो हमारी समझ पर डिपेंड होता है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या रूल लग रहा था जैसे दो सात और तीन को जोड़ेंगे तो कितने होंगे सात और दो नौ और तीन बारह ठीक है इस तरह से छः चार दस और तीन तेरह हो रहा था चार और नौ और एक नौ और एक दस और चार चौदह यहाँ चौदह हो रहा था तो एक ऑप्शन दिया गया था पाँच पाँच और पाँच तो जी कितना हो जाता जोड़ इसका पंद्रह ठीक है और जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उनका जोड़ पंद्रह नहीं हो रहा था ठीक है तो इसका जो सही आंसर था वो पाँच सौ पचपन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याएं दी गई थी दो संख्याओं का एल क्या दिया था बयालीस ठीक है और पूछा गया था कि जो एक्स और बाई का आधा है जो बयालीस है ये एक्स और बाई का आधा है तो बच्चों ने क्या किया है कि बयालीस का ही आधा कर दिया इक्कीस और फिर निकालते रहे और गलत करके आ गए ठीक है तो यहाँ पर क्या था कि दो संख्याओं का एल सी था एक्स बाई का आधा तो हम क्या करते यहाँ पर क्या दिया है एक्स का मान दिया गया था बारह और बाई का मान हमें ज्ञात करना था तो ऑप्शन दिए गए थे सात होगा आठ होगा नौ या दस तो कैसे करते इसका बारह दिया है एक्स का ठीक है तो बारह लिखते और ऑप्शन रख के देखते जैसे बारह का सात में गुणा करते तो कितना आता चौरासी ठीक है और जी चौरासी का आधा क्या दिया है बयालीस तो यही तो पूछा है कि एक्स वाई का आधा है क्या बयालीस ठीक है तो चौरासी का आधा क्या हो जाता हमारा बयालीस इसका सही आंसर क्या था सात था ठीक है नेक्स्ट क्या दिया है एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता वर्ग और आयत में यहाँ अंतर होगा ठीक है वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता है वह बैन हीले के अनुसार किस अवस्था में है तो ये हमने उनके स्तर पड़े हुए हैं चाक चाक्षुषीकरण होता है पहला ठीक है दूसरा विश्लेषण तीसरा अनौपचारक औपचारिक और दृढ़ता ठीक है तो जब अंतर ही नहीं कर पा रहा के, किस आधार पर अंतर कब करेगा जब देख पाएगा और जब देखने के आधार पर अंतर नहीं कर पाता है तो वो होता है हमारा स्तर जीरो होता है लेवल जीरो होता है और स्तर फर्स्ट होता है चाक छूसीकरण ठीक है तो वहाँ पर ये नहीं दिया था वहाँ दिया था दृश्य प्रक्रमण अर्थात देखने के आधार पर अंतर नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इसका सही आंसर था लेवल फर्स्ट था लेवल जीरो और स्तर फर्स्ट यानी दृश्य प्रक्रमण ठीक है नेक्स्ट क्या आया था क्वेश्चन पहली पंक्ति में हमारे यहाँ ग्यारह जोड़ी संतराएँ कितने ग्यारह जोड़ी अर्थात जोड़ी में है तो बाईस होंगे ठीक है फिर दूसरी पंक्ति में बाईस जोड़ी बाईस जोड़ी है अर्थात तो कितने होंगे चवालीस होंगे तीसरी पंक्ति में कितने हैं तैंतीस जोड़ी में हैं तो कितने हो जाएंगे छियासठ और पूछा था तो कुल संतरे कितने हैं यहाँ पर कुल पूछा है यदि पूछ लेते कि कुल कि कितने जोड़े हैं तो जोड़े में बताती पर पूछा है कि कुल संतरे तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा एक ठीक है नेक्स्ट आया था क्वेश्चन एक आयत का क्षेत्रफल चौबीस है निम्न में से इसका परिमाप नहीं हो सकता तो ऑप्शन दिए गए थे चौबीस ठीक है इस तरह से पच्चीस और दिए गए थे अट्ठाइस ठीक है तो हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई ठीक है तो हम जब रख के देख रहे थे तो ए भी निकल रहा था अट्ठाइस भी लेकिन क्या नहीं हो सकता इसका परिमाप पच्चीस नहीं हो सकता इसका सही आंसर था पच्चीस ठीक है नेक्स्ट क्या आया था क्वेश्चन एक व्यक्ति पहले सौ मीटर चौदह सेकेंड में फिर अगले सौ मीटर सोलह सेकंड में अगला सौ मीटर अठारह सेकंड में चलता जाता है यही क्रम आगे जारी रहता है तो पूछा था कि आठ सौ मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ठीक है तो जब 100 मीटर कितना चला 100 मीटर चला 14 सेकेंड में ठीक है नेक्स्ट 100 कितने चला तो 16 सेकेंड में चला फिर अगले 100 कितने में चला 18 सेकेंड में चला होगा फिर अगले 100 कितने में चला होगा 20 में इस तरह से 800 बार मतलब 800 मीटर की दूरी उसने तय की तो कितना समय निकलता तो वो निकलता हमारा दो मिनट अड़तालीस सेकेंड ठीक है दो मिनट अड़तालीस सेकेंड सही था ठीक है अगला जो सन्नकट मान आया था एक पूछा गया था कि बहत्तर गुणा ग्यारह दशमलव पाँच सात किसके सन्नकट है तो इसका सही आंसर आ रहा था तीन गुणा दो अब इसे कैसे निकालती तो हमने इसे यूनिट डिजिट से निकाला कैसे सात और दो नौ नौ तो कैंसिल हो गया फिर एक और एक मतलब यहाँ पर दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको जोड़ेंगे हम सात पाँच बारह और दो चौदह हो रहे थे और चार और एक पाँच कितने हो रहे थे छः तो तीन दूनी छः तो ये तो एग्जैक्ट निकल गया ठीक है तो सन्नकट पूछा था यहाँ कुछ और ऑप्शन था लेकिन हमें याद नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर पाँच आ रहा था जो छः के सनकट था ठीक है और ऑप्शन दिए गए थे किसी का नौ आ रहा था किसी का दस ठीक है इस तरह से नेक्स्ट दिया है एक शिक्षक ने अपने छात्र को घड़ी का सेल पुस्तक मोमबत्ती पानी का गिलास माचिस की डिब्बी संतरा आइसक्रीम की कौन को दिखाया तो बालक ने इन सब वस्तुओं को देख कर, इन वस्तुओं में से उसने पानी के गिलास को मोमबत्ती को और घड़ी के सेल को अलग कर दिया तो बताइए कि उसने यह किस आधार पर अलग किया है तो ऑप्शन दिए गए थे क्या आकृति के मतलब वर्गाकार रूप में अलग किया है किस आधार पर तो उसने देखो पानी का गिलास ऐसा होगा ठीक है मोमबत्ती भी ऐसी ही होगी और घड़ी का सेल भी इस तरह से होगा तो जो बेलनाकार वस्तुएं हैं कैसी वस्तुएं हैं बेलनाकार तो इस आधार पर उसने अलग किया था इसका सही आंसर था बेलनाकार ठीक है नेक्स्ट दिया है गणित की प्रकृति होती है तो इस तरह से क्वेश्चन था गणित की प्रकृति से लेकिन चार ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे तो क्या दिया था तारकिक होती है अमूर्त होती है स्थान दशा माप के रूप में होती है तो इसका सही आंसर तो जो नहीं था वो पूछा गया था तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए हमने डाल दिया ठीक है नेक्स्ट क्या दिया था क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है तो ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन लिए हैं कि नहीं दो संख्याओं का गुणा सदैव वही संख्या या उससे बड़ा होता है बिल्कुल होता है जैसे तो हम जीरो और एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा ठीक है तो बही संख्या आ गई जैसे दो और दो का गुणा करेंगे तो चार उससे बड़ा आ गया ठीक है इसी तरह मुझे दूसरा ऑप्शन दिया था कि इन्हीं दो संख्याओं का जोड़ हमेशा वही संख्या या उससे बड़ा होगा तो जीरो और जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो वही संख्या आ गया जोड़ेंगे जीरो और जीरो को ठीक है और यदि संख्या मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो उससे बड़ा आ गया ये भी लागू हो रहा है फिर दिया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो ये गलत था क्योंकि दो जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है और यह एक सम संख्या है ठीक है तो ये इसका सही आंसर था एक अंक की अभाज्य संख्याओं की संख्या चार होती है बिल्कुल सही क्योंकि दो तीन पाँच और सात तो एक अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी है चार हैं तो ये भी सही था तो नहीं पूछा था तो इसका सही आंसर था सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं ठीक है नेक्स्ट क्या था गणित में किसी वस्तु या किसी भी आधे की यदि हमें संकल्पना समझानी है तो इसके लिए किस क्रम का अनुसरण होगा मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया था जो एल्पस थ्योरी हमने पढ़ी हुई है इससे ठीक है तो थोड़ा सा टाइप चेंज था पर था ऐसा ही ठीक है तो हमें पूछा गया था कि किस संकल्पना मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिए थे कि पहले कौन सा क्रम आएगा फिर इसके बाद कौन सा आएगा ठीक है इस तरह से तो सबसे पहले ई से क्या हो जाता है हमारा मतलब साकार वस्तु ठोस वस्तु ठीक है एल से हो जाता है लैंग्वेज पी से हो जाता है पिक्चर यानी चित्र और एस से हो जाता है सिंबल अर्थात संकेत ठीक है तो यहाँ पर साकार सा, वस्तु या ठोस वस्तु सबसे पहले क्रम पर होता भाषा दूसरे क्रम पर होता पिक्चर यानी चित्र तीसरे जैसे हमें आधे की संकल्पना समझानी है तो सबसे पहले हम उसके सामने ठोस वस्तु ले जाएंगे कि ये होता है आधा ठीक है जैसे हमें उसे दो मतलब कुछ ले गए और उसको दो भागों में तोड़ दिया और इस तरह से बता दिया फिर भाषा के द्वारा समझाएंगे फिर उसे चित्र दिखाएंगे और फिर प्रतीक दिखाएंगे ठीक है फिर एक माध्य से क्वेश्चन आया था तो थोड़ा सा यहाँ संख्या इधर उधर हो सकती है लेकिन था इसी टाइप से ठीक है और यही शायद वैल्यू ही यही थी कि पांच संख्याओं का माध्य दिया गया था चौहत्तर और इनमें ऐसी तीन संख्याएं बताई गई थी शायद यही हूँ ठीक है और दो संख्याओं का माध्य पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो था चौहत्तर दशमलव पाँच ठीक है तो ये हुए गणित के पंद्रह क्वेश्चन और कुछ भाषा मतलब पेड़ागौदी से संबंधित थे तो वो तो सभी के सही ही होंगे ठीक है तो इन पंद्रह में से आप मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं ठीक है और हमने जो कुछ क्लासें भी हमने डाली थी जैसे पर्यावरण के क्वेश्चन डाली थे उनमें ऐसे कम से कम दस क्वेश्चन एक ही क्लास से आए हुए हैं ठीक है और हमने जो साइंस है सॉरी ईवीएस है और सीडीपी है उसके भी हमने क्वेश्चन जितने हमें याद रहे वो हमने डाल के रखे हैं तो जिसने ना देखे हो देख सकते हैं ठीक है थैंक यू